समाजवादी पार्टी से निकाले गए विधायक सुभाष पासी ने मंगलवार को बीजेपी की सदस्यता ले ली। प्रदेश के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। इससे पहले सुभाष पासी को पार्टी विरोधी गतिविधियों का हवाला देते हुए समाजवादी पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था। सुभाष पासी गाजीपुर जिले की सैदपुर विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के विधायक थे। 2017 में समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे और बीजेपी प्रत्याशी विद्यासागर सोनकर को पासी ने हराया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 12 नवंबर को दो दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंच रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह के आने से पहले वो वहां पहुंच जाएंगे और एयरपोर्ट पर उनका स्वागत भी करेंगे। इसके बाद दो दिनों तक गृह मंत्री कार्यक्रमों में शामिल होंगे। इस दौरान प्रदेश सरकार के कई मंत्री भी वाराणसी में मौजूद होंगे। पूर्वांचल के सियासी मिजाज को भापने के लिए 12 नवंबर को वाराणसी में अमित शाह पहुंचने वाले हैं। गृह मंत्री अमित शाह 12 नवंबर को वाराणसी में होंगे और उसी दिन संगठन की बैठक भी करेंगे। 13 नवंबर को हिंदी पर आयोजित एक कार्यक्रम में वो शिरकत करेंगे। सरकार की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम के स्थान का चयन अभी तक नहीं किया गया है। समाजवादी पार्टी के मेरठ में आयोजित महिला सभा सम्मेलन में समाजवादी महिला प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व MLC लीलावती ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। मेरठ में समाजवादी पार्टी महिला सम्मेलन को संबोधित करने पहुंची समाजवादी महिला सभा की प्रदेश अध्यक्ष लीलावती कुशवाहा ने बीजेपी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी का ही खेल है, खा गई चीनी और पी गई तेल। महंगाई पर तंज करते हुए उन्होंने बीजेपी के खिलाफ अपने संबोधन में इस तरह के बयान दिए। चुनाव से पहले वार पलटवार का दौर तेज हो गया है। गोरखपुर क्षेत्र के बीजेपी अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर कांग्रेस की रैली में प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बुलडोजर नाथ कहने पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। अपने लिखित बयान में उन्होंने कहा कि एक प्रदेश के मुख्यमंत्री को दूसरे प्रदेश के मुख्यमंत्री पर इस तरह का बयान देना बेहद आपत्तिजनक है। धर्मेंद्र सिंह ने आगे कहा कि मुख्यमंत्री ने ऐसा बयान देकर उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता और करोड़ों हिंदुओं की आस्था पर चोट किया है। यूपी के मंत्री मोहसिन रजा ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि अखिलेश यादव को जिन्ना के रिश्तेदारों से वोट की आस है, शायद इसलिए वो इस तरीके की बात कह रहे हैं। उन्होंने अपने ट्वीट में आगे लिखा कि विभाजनकारी जिन्ना की विचारधारा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू की विचारधारा है। ऐसा कह रहे अखिलेश यादव ने देश के महापुरुषों का ही अपमान किया है। एक और ट्वीट में उन्होंने कहा कि समय रहते देश को ये समझ लेना चाहिए कि जिन्ना वाली आजादी की मांग कर रहे हमारे देश में कौन कौन जिन्नावादी है और जिन्हें जिन्ना के रिश्तेदारों से वोटों की आस है। दरअसल अखिलेश यादव ने हरदोई में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा था कि सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू ने मिलकर देश को आजादी दिलाई थी। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने समाजवादी पार्टी और बीजेपी पर यूपी चुनाव के पहले मिलकर प्रदेश का माहौल खराब करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों ही एक दूसरे के पूरक और पोषक हैं। अपनी जातिवादी और सांप्रदायिक टिप्पणी से प्रदेश का माहौल ये दोनों ही खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि सपा मुखिया द्वारा जिन्ना को लेकर हरदोई में दिया गया बयान व उस पे लपक कर बीजेपी की प्रतिक्रिया, ये दोनों पार्टियों की अंदरूनी मिलीभगत व इनकी सोची समझी रणनीति का हिस्सा है, जिससे कि यूपी विधानसभा चुनाव में माहौल को किसी भी प्रकार से हिंदू मुस्लिम करके खराब किया जाए। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।